सो गाइस राइट नाउ वी आर इन बिंदुसागर और ये जो जगह है बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है. सो नाउ आई एम विथ मुख्तार एंड इनको शायद आप पहली बार देख रहे हैं एंड ही इज माई रूममेट और हम दोनों आए ये जगह को एक्सप्लोर करने. तो ये जो जगह है ये बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है. तो माना जाता है कि एज पर मतलब इधर जो ये शिव भगवान है पार्वती के साथ यहाँ मेडिटेशन के लिए आते थे और ये जगह उस टाइम में मतलब जो काउज वगैरह था वो मतलब ऐसे खुले घूम रहे थे. तो पार्वती भगवान क्या किए कि वो कुछ शी हैव डन समथिंग फॉर देम, एक कंट्रीब्यूट किए कि उनको कुछ अच्छे से रखना है पाल पोस के. तो ये जो जगह है मतलब बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो इस जगह को बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से रखे हैं. और ये जो जगह है मीन्स डीपली फ्रॉम माय हार्ट आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ वेरी क्लीन, मतलब बहुत ही साफ सफाई से रखा गया है और गार्डनर जो भी है वो मतलब पानी वगैरह देते रहते हैं कंटिन्यूसली. ये लेक देख रहे हैं, ये लेक में मतलब सुबह सुबह जब आप यहाँ आओ तो यहाँ काफ़ी सारी दिस लेक इज सराउंडेड बाई मेनी टेम्पल्स हियर एंड दे आर टू ओल्ड. ठीक है, यहाँ पूजा वगैरह होता है सुबह सुबह, यहाँ पूजा होगा, लोग आते हैं किनारे लेक के किनारे आते हैं, पूजा वूजा जो भी उनका काम होता है वो करते हैं. एंड ये मतलब आपको इट्स लाइक मतलब यहाँ जो कभी पहली बार आएगा उसको लगेगा कि वो वाराणसी में है. वाराणसी में जैसे घाट्स वगैरह होते हैं कई तरह, वहाँ तो 100 से ज़्यादा घाट हैं लेकिन यहाँ पे एक ही लेक है और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा लगेगा सुबह सुबह अगर आप आके यहाँ पे बैठो तो. ये जो है बिंदुसागर, दिस इज़ अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉलिंगा आर्किटेक्चर जो हम लोग कहते हैं. तो मैं इस जगह के बारे में ओडिया में ही बात करना चाहती हूँ. बिल्कुल. हाँ, तो ये बिंदुसागर रोड कम्प्लीटली जॉइन है राइट साइड ऑफ तालाबाजार रोड सिचुएट करा जॉइन कर केदारगोरी टेम्पल को सेपटे गले. ये बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स अच्छी जोड़ा कि आम देहपाई बहुत भल, जोड़ा नॉर्मल लोक मैंने कहीं जाणी ना आम डेली लाइफ रे. तो ये आसिक कि समय स्पेंड कले से जापर सब आ पचर जो हिस्टोरिक स्टोरीटा अच्छे से शिव पार्वती बाहाघर पर आसते मेडिटेशन पाई से एटिक आसला परे पार्वती देखिले कि ये बहुत सारा गाई अच्छा जो मान किसी पालन करा होनी एमती छाड़ी दिखाई. तो से गोटे मिल्क मैन्युफैक्चर करने पाले रखिले से ही समय रे बास आ कीर्ति दीज डेमन थे जी कि पार्वती माँ को छेड़खानी करते आहाघर पर पचार से पार्वती माँ गोड़े पेलिकी पा भितर मारी से ही टाइम रे से बहुत थर्स्टी फील करते सुस्का हो. तो लॉर्ड शिव जो मेडिटेशन करते बिंदुसागर रू ही पा नहीं कि तो यहाँ हूँ गोटे किंबदंती जहाँ आम कौ जगह विषय अच्छी यहाँ सेवेन्थ आउ एथ सेंचुरी बेलू जगह कम्प्लीट हो जाता ये देखिपे बहुत सारा मैंने आर्किटेक्चर सब स्कल्पचर भी रॉक्स र यही जो काम मतलब इधर जो काम हुआ है स्कल्पचर वगैरह का ये किसका काम है? तो ये डायनेस्टी का काम है या फिर बाद में लोग जब धीरे धीरे डेवलप डायनेस्टी का काम इतने नथिला थिला किंतु इतने भी एडवांस नथिला जेड़ा इन ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम तो ग्रेजुअल कोर्स आर्किटेक्चर सर्वे जो भी है दे आर मेंटेनिंग. हां मेंटेनिंग और यहां जो अपन मन देख पाते मेंटेन करा हो समझते काम भी इट्स रियली नीट एंड क्लीन. इतने क्लीन तो को भी टूरिस्ट प्लेस आउट ऑफ क्लीन. हां बहुत क्लीन अच्छी तांके ये भी रखी ये मीन वर्कर माने जो माने वाटरिंग कर जो मेडिसिनल प्लांट्स जाको कोई चोंती बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट अच्छे ता विषय में कौन कह मेडिसिनल प्लांट्स पसारुणी अच्छी गच अच्छी एलोवेरा और बहुत सारा स्पाइसेस प्लांट्स अपन से पढ़ अपन इधर आने के बाद वो सब पता चले या पहले मतलब ना ना एठी असला पोरे ही देखिलु कि एठी एमती मेडिसिनल प्लांट्स अच्छी ता पुरपुर ता एडा खाली एमती ओटे इल्यूजन थिला कि एडा माने कोन प्लेजर मोमेंट स्पेंड करिया पे ओटे जागा किंतु एठी आसी कि जणा पड़ला कि माने प्लांटेशन करी छंती मेनली मेडिसिनल प्लांट्स एडा को मेंटेन भी करू छंत को पानी देकी. आज्ञा आज्ञा 13 वर्ष मोर भी किंबदंती आज्ञा अच्छे मुझे बिंदुसागर गोटे कुंभ नड़िया पाई गच लगे आज्ञा नड़िया फल लगे अच्छा ये बड़ बड़ गच सब देखते आम सब आज्ञा लगे गच अच्छा नड़िया गच लगी पणस गच लगी पणस फल
ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବି ଫଳିଲାଣି। ସେଠି ପଣସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପଣସ ଗଛ ବି ଲଗେଇ ସବୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲି, ସେଇଟା ଆମ କାର୍ଗିଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଗିଲ ବୋଲି କହୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୟା ଭିତରେ ଯେତେ ଔଷଧ ଲାଗିଛି, ହଁ, ଆଉ 253 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଔଷଧ ଲାଗିଛି, ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଅଲ୍ ପାଇସ୍, ମାନେ ଏଇଟା କହନ୍ତି ମିକ୍ସ ମସଲା, ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ରଟାକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଧର ମଟନ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ବିରିୟାନୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ତିନିଟା ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ତା ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଦେଖୁନ କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ଇଏ ପୁରା ମସାଲେ ଜୈସା ଇସକା ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ହେ, ଯେଉଁ ପୁରା ଖୁସବୁ ହେ, ସ୍ମେଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ପ୍ୟୋର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପାଇସ। दालचीनी, दालचीनी और काली मिर्च जैसी जो गरम मसाले हम लोग बिरयानी में यूज़ करते हैं, उसकी महक है इस पत्ती में। आगे अच्छा और लवंग गच अच्छी हमारे यहाँ, क्या लवंग, क्या लवंग गच आज हमारा लवंग हबा को नहीं कि लगे सात आठ वर्ष गच होगी मटी हम कि नहीं जानते लवंग फल भी ना देख यहाँ लवंग लवंगर पूरा लवंग गच ना तारि भाया ना ना लवंग गच या अच्छा ये लौंग 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 जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई कोई मीठा पान खाते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है लौंग। तो लौंग का ये पेड़ है, ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये लौंग का पेड़ है। ये भी जायफल, ये ला जायफल, ये डाला जायफल, हम लोग सात आठ वर्ष लग रहा किंतु ये माटी रे ये गच्छा कहीं बढ़ून क्या ये अन्य मटी हवा कथा कि आमर ओडिशा मटी रे କେବେ କିନ୍ତୁ ଆଠ ବର୍ଷର ଗଛ କେତେ କିନ୍ତୁ ଆଠ ବର୍ଷର ଗଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଯାଇଫଳ ଟିକେ ନାକୁ କମତି ରହୁଛି, ୟାର ଗ୍ରୋଥଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ମାଟିଟା ପୋଷଉନି। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଡାଲଚିନି ଗଛ, ଏଇଟା ଡାଲଚିନି, ଏଇଟା ଡାଲଚିନି, ଆପଣ ତ ଡାଲଚିନି ସବୁ ଜାଣିଛ, ଆମର ଅଛି ଡାଲଚିନି, ଏ ବକଳାର ସବୁ ଡାଲଚିନି, ବକଳାର ଫାଟିକିରି ରହିଯିବ, ତାପରେ ସେ ଡାଲଚିନି ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଆମର ହେଙ୍ଗୁ ଗଛ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ହିଙ୍ଗ 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 ହିଙ୍ଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଙ୍ଗୁ ହେବାକୁ ନାହିଁ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ହେଙ୍ଗୁ, ଯୋ ହମଲୋଗ ମତଲବ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଁ ଅଗର ଆପ ଯାଓ ତୋ ହିଙ୍ଗ କା ଇସ୍ତେମାଲ ହୋତା ହେ ଖାନେ କି ରେସିପିଜ ବଗେରା ମେଁ ହିଙ୍ଗ କାଫୀ ଜ୍ୟାଦା ହମଲୋଗ ଇସ୍ତେମାଲ କରତେ ହେ। ତୋ ୟେ ଯୋ ପେଡ଼ ଆପନେ ଦେଖା ୟେ ହିଙ୍ଗ କା ପେଡ଼ ହେ, ମେଁ ମେରେ ହାଥୋଁ ମେଁ ଅଭି ଯୋ ପତ୍ତିୟାଁ ହେ ये हींग की पत्तियां हैं, हींग के पेड़ मैंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे, मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बाजू में जो पेड़ है ये दालचीनी का पेड़ है, ये पेड़ जो है ये दालचीनी का पेड़ है, इसके इसके मसाले बनते हैं वो बिरयानी में और कई तरह के चीज़ों में, मतलब इसके मसालों को यूज़ किया जाता है। तो ये दालचीनी का पेड़ है, ये हींग का पेड़ है, ऐसे कई मसालों के पेड़ इस बागान में भरे पड़े। सर ऐसे अलावा तेजपत्र, ତେଜପତ୍ର ଆମର ଦେଖାଲି ଚାହାରେ ପଡ଼େ, ତାର ଯଦି କାଶ ପାସ ହୁଏ ୟାକୁ ବି ଯେମିତି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ଆପଣ, ସେମିତି ଗୁଳେଇକିରି ଆକୁ ଯଦି ପିକା କରିକି ଖାଇବେ ତାହେଲେ କାଶ ପାସ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତେଜପତ୍ର, ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଚମ୍ପା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଚମ୍ପା, ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଚମ୍ପା, ଏଇ ଗଛଟା ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଚମ୍ପା, ଏହାର ସବୁ ଝରା ହେଇକିରି ଫୁଲ ସବୁ ପଡ଼ିବ ତଳେ। ସେ ଫୁଲର କ'ଣ ଫୁଲଟା ଆଜ୍ଞା ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ, ସେଟା ଅଗରବତୀ, ଅଗରବତୀ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ନାକ ଚଣା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ସରି ହେଇକି ସରୁ ଫୁଲ ବାହାରି, ତାପରେ ସବୁ ଝରା ଝରା ହେଇକି ଫୁଲ ବାହାରି। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କର୍ପୁର, ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆହତ ହୁଏ, କର୍ପୁର କର୍ପୁର, ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ପୁର, କର୍ପୁର ବାସନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର କଇଁଥ ଅଖାଟା ବାହାରେ କି କର୍ପୁର ଅଖାଟା ସେମିତି ବାହାରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହେବ। सो गाइस मेरे पीछे जो ये स्कल्पचर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल है, तो ये होल का क्या मतलब है मैं अभी तक कंफ्यूज था, लेकिन अच्छे से ध्यान से देखा तो मुझे पता चला, इफ़ यू जस्ट लुक ओवर फ्रॉम दिस होल
तो सीधा एक मंदिर दिख रहा है ठीक, मतलब होल से सीधा आप अगर देखेंगे, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा शायद यहाँ से आपको दिखेगा या नहीं, आप अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, यू कैन सी जस्ट फोकस, अब देख सकते हैं यहाँ एक मंदिर है होल के वहाँ एग्जैक्टली। तो ये जो मंदिर है शायद ये स्कल्पचर उसके लिए बना हुआ है, तो लोग आते थे शायद मंदिर का जो व्यू है दे बिकॉज अराउंड दिस मंदिर का अगल बगल जो भी है मंदिर का अगल बगल द सिटी इज़ क्वाइट पॉल्यूटेड। तो हम लोग जब भी कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं कचरा के साथ तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फेयर कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता देखने के लिए, बट तो शायद ये स्कल्पचर उसी लिए बना होगा कि टू अवॉइड द कचरा पार्ट एंड टू जस्ट फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ दैट टेम्पल। तो मतलब ये जो पत्थर है ये पत्थर तो मतलब ऐसा तो लग रहा है पॉलिश्ड हुआ है, तो अगर ये पहले बना हुआ है या बाद में ये तो पता नहीं, लेकिन ये अच्छे से पॉलिश्ड हुआ है साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे जो लोटस का जो मतलब प्लांट्स है वो लगभग आधा लेक कवर किया हुआ है, आधा तक कवर किया है एंड लोटस आर आल्सो क्वाइट ब्यूटीफुल। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, हाउ इट विल बी यूजफुल, उन लोगों को बोलेंगे यहाँ आने के लिए? एमटी यूजफुल है परियो कि जो मैंने नॉर्मल लाइफ रे में बहुत सारा गच्छ को चिन्ही नु एठी आसी कि जानी परबु कि तांको माने कोन बेनिफिट हम हेल्थ पई कि नॉर्मल लाइफ पई भी कोन बेनिफिशियल कि नहीं एठी आसी कि जाना पड़ियो। आ ए बेनिफिट तो गोटे जगह रोज तापर भी एटा भल मैंने गोटे जगह एमती आसिक स्पेड करने कि टाइम ऑफ सेरेनिटी पीस पाई भी ये जगह बहुत भिड़ भी हो जाए मेनली ये कार्तिक पूर्णिमा रे बहुत भिड़ हुए डंगा भसा बेले डंगा पूरा फुल हो जाए था पानी रे ये सब जगह भल डा भसा व्यूटा भी बहुत बढ़िया लगे आम से कवर करने ट्राई करूँ लाइक आर यू सैटिस्फाइड विथ दिस प्लेस मैंने आसला पूर्व एते भाभी नथली कि भल आउ तो आसी बैठी हां निहा से हमें तने कथा है कि जाऊ तो भी नेक्स्ट टाइम आसी ले कु टाइम ता सूटेबल कु टाइम रे एई जगह ता बेसी सुंदर लगे लाइक जब भी हम लोग आते हैं सुबह का टाइम में मे बी फॉग रहता है मिस्ट रहता है पानी का है मतलब ठंडा हवा आ सकता है तो कौन सा टाइम बेस्ट सूटेबल है आप सुबह आने को क्यों करते हैं सकालू ये फर्स्ट कथा बंद हो जाए जल्दी शीत दिन आज जल्दी बंद हो सकाल आस